हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। रॉबर्ट केनेडी का कथन है कि एवरी सोसाइटी गेट्स अ काइंड ऑफ क्रिमिनल इट डिजर्व, अर्थात आप जिस कैटेगरी का हो आपके सोसाइटी में एक उसी कैटेगरी का क्रिमिनल जरूर रहता है। आप जब तक दबते रहोगे तब तक जो है आपको समाज में सोसाइटी में जो है ये क्रिमिनल माइंड जो होते हैं आपको दबाते रहेंगे। चाहे वह आपके एग्ज़ाम का पेपर लीक करा दे एग्ज़ाम के एक घंटा पहले, या आपका कुछ भी करें, संपत्ति हड़प लें, आपका नेता बन जाए, आपका प्रधान बन जाए, ग्राम प्रधान या पंचायत प्रधान जिसे मुखिया बोलते हैं वो बन जाए और आपको लूटे, अंततोगत 5 साल। ठीक है, यह टोटल जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप दबोगे, आप बिहार की उस भूमि पे रहते हो जिसने मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाया, जेपी के जैसे महान क्रांतिकारी इस धरती पे पैदा हुए, और पता नहीं आजकल के युवाओं का ब्लड जो है इतना शांत कैसे हो गया, वो किसी भी इस तरह की कुव्यवस्था पर जहाँ पेपर लीक हो या कुछ भी हो। आपको पता होगा कि 600 रुपया जो है बीपीएससी फॉर्म भरने को लेता है। आपको पता है कि आपने पढ़ रखा होगा अभी बिहार स्पेशल, लगभग 89% जनसंख्या जो है बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहती है। बिहार का HDI इंडेक्स में सबसे लोअर स्थान है, प्रति व्यक्ति आय में लोअर स्थान है, एजुकेशन में लोअर स्थान है। इन सारी सिचुएशंस के बावजूद एक भाई या बहन जो है साल भर 1.5 साल अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च कर खर्चते हैं और पढ़ाई करते हैं, और एग्ज़ाम के अर्थात डे के दिन जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर ये सोच के कि यदि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता है मेरा भविष्य जो है उज्जवल होगा, मेरे समाज का मेरे परिवार का जो है भविष्य उज्जवल होगा और मैं सोसाइटी में कुछ योगदान दूंगा। ठीक है, जहां यूपी जो है मात्र 150 रुपया UPPCS 150 रुपया में फॉर्म भरता है, इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड स्टेट है, और बिहार से तो लाख गुना अच्छा स्टेट है अभी सिचुएशन में, चाहे वह इकोनॉमिकली हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो। ठीक है, लेकिन बिहार में ये कुव्यवस्था है, चाहे पहले की सरकार हो या वर्तमान की गवर्नमेंट हो, कोई भी जो है बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में जो है क्लियरली और बहुत सीरियसली रूप से नहीं सोच रही है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है कि गांव का एक मंगरुआ एक डिनोटेड शब्द है जो ग्रामीण का द्योतक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने कृषक पापा से जो है 4000 रुपये जो है पर मंथ लेता है और पटना जाके, मोतिहारी जाके, मुजफ्फरपुर जाके, दिल्ली जाके तैयारी करता है, घिसता है फटे पुराने कपड़े पहन के इस आश में कि कहीं ना कहीं मेरा भविष्य जो है बीपीएससी के थ्रू उज्जवल हो जाएगा। और इस समाज के कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग, कुछ कीड़े, सामाजिक कीड़े, असामाजिक तत्व जो हैं अंततोगत पेपर लीक कर देते हैं, चाहे वह शिक्षक के रूप में हो, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एजुकेशनल माफिया के रूप में हो, या कोई भी हो। ठीक है, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनको जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, 47 से 50 डिग्री, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में बच्चे जो हैं 150 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं ये घूम घूम के। ठीक है, 600, हालांकि अतिरेक हो गया, मान लीजिए 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अपना कई हजार रुपये खर्चा करते हैं, 1000-2000 रुपये, और एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे के जब बाहर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर से तो उनको पता चलता है कि उनका पेपर ही लीक हो चुका है। ठीक है, पिछले साल भी 66वीं बीपीएससी में भी यही सिचुएशन हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तभी जो कट ऑफ जो है 108 चला गया पेपर। इस बार का इतना बैलेंस था, सरकार की नाकामी कहिए, प्रशासनिक नाकामियां कहिए, हम ही लोग तो प्रशासन में बैठते हैं जाके बन के, बीपीएससी क्रैक करते हैं, UPPCS क्रैक करते हैं और प्रशासनिक विभाग में जाके बैठते हैं, कोई बाबू बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई कुछ भी बनता है, और कुछ पैसों के चलते, चंद रुपयों के चलते जो है अपना ईमान धर्म बेच के जो है 5 लाख, लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट के साथ भविष्य के साथ जो है, इसमें मान लीजिए सीरियस 3 लाख भी स्टूडेंट हो तो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है, इसमें सुधार होना चाहिए, सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, या नहीं सुधार कर रही है सरकार, सुधार करने वाली नहीं है, तो आपको जो है अभी सड़कों पर निकलना होगा, नहीं तो जिंदगी भर आजीवन जो है कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाएगा और पता चले पेपर लीक, मान लीजिए इस बार वायरल हो गया तो आपको पता चल गया, वायरल नहीं हुआ होता तो नहीं पता चलता, ऑब्वियस कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा लेते और जो है और वो एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते। आप पढ़ा के जाके आपको लग रहा होगा अरे 105 मैंने सही कर दिया, मेरा तो हो जाएगा इस बार, और पता चले कट ऑफ जो है 108 चला गया, तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, पढ़ते रह जाओगे, नहीं होगा। ठीक है,
अब बात ये उठती है कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो आपको करना क्या है। तो देखिए, अब जो है एग्ज़ाम पूर्णतः तो कैंसिल होगा ही, एक सेंटर पे नहीं होगा, क्योंकि पूर्णतः नोटिफिकेशन भी आ गया, आप सबने देख लिया, इसमें कहीं एक सेंटर की बात नहीं करी जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में जो है कुछ सेकेंड में जो है एक वीडियो या एक मैसेज या कुछ भी वायरल हो सकता है, तो पूरा बिहार में ये फैल गया है। तो ये पूरे बिहार में बीपीएससी 67वीं पूरी कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो अब जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब जो है आप टोटली मेंस पे फोकस करो, ठीक है, मेंस पे फोकस करो। और यूपी पीएससी के जिन बच्चों ने जो है टारगेट किया है मिड जून में, जो है शायद यदि मैं सही हूँ तो 12 जून को उसका पेपर है, ठीक है, तो उस पर आप टारगेट करो। यूपीपीसीएस जो है बीपीएससी से फार बेटर है, जल्दी आपका रिजल्ट भी दे देगी और जल्दी से सब कुछ हो जाएगा। और यदि आप 67वीं बीपीएससी को ही टारगेट करना चाहते हो तो मेंस के लिए प्रिपरेशन करो। 8 से 9 दिनों के बीच जो है 67वीं बीपीएससी के मेंस के लिए जो है प्रोग्राम हमारे चैनल के द्वारा शुरू किया जाएगा, आप चाहो तो उससे जुड़ के और उसका लाभ उठा सकते हो। बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे करंट अफेयर्स से जुड़े थे या प्रीवियसली वीडियो जो मैंने बिहार स्पेशल बनाया था बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से, उस पुराने वीडियो से जो है 2-4 महीना पुराने जो वीडियो मैंने बनाया था उससे लड़ गया, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी खुश थे जो मेरे से जुड़े हुए थे। मैं आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, अभी जो है अभी मैंने सोचा था अभी कर दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उतना मन रहा नहीं। कल जो है कल सुबह 10-11 बजे तक जो है आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये सोचो कि इसको सुधार कैसे किया जा सकता है। और ये सोचो कि केवल आपको नौकरी नहीं लेना है, जब आप SDM बनो, डिप्टी SP बनो या BDO बनो, तो आप जिस क्षेत्र में रहो, जहाँ पे रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, वहाँ पे सुधार लाने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप कि मैं जो कहना चाहता था आप लोगों तक कन्वे हो चुका। मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। अभी 2-4 दिन खूब मस्ती कीजिए, खेलिए कूदिए, खाइए पीजिए, अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, अपने रिलेशन में जाइए, उसके बाद जो है 8-10 दिन बाद आराम करके पूरा जो है बीपीएससी में ढंग से लग जाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।